हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग जो है लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे आज क्लास नंबर 38 के अंदर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपको बता दूं कि ये मेंसुरेशन टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपके प्रीवियस ईयर का एलडीसी का जो पेपर हुआ था, उन चारों ही पेपर के अंदर हर एक पेपर में पांच पांच छह छह सात सात तक क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमारे सात सात क्वेश्चन अगर किसी एक टॉपिक से कंप्लीट होते हो तो हम उस टॉपिक को कैसे छोड़कर जा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके अंदर केवल थ्योरी कितनी है, तो आधे पंद्रह पंद्रह मिनट के अंदर आप इसकी पूरी थ्योरी को जो है रट्टा मार सकते हो। केवल क्या करना है, वर्ग, आयत, क्षेत्र आपके जो है, वृत्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और आपका फिर घन, घनाब, बेलन, गोला और शंकु और चिन्हक और अर्धगोला, ये 12 13 कुछ जो है डायग्राम है जिनके आपको केवल और केवल फॉर्मूले याद करने हैं। और आप यहां देखेंगे आज अपन पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि हाँ यार, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम ऐसे ही पता नहीं क्यों नहीं तैयारी कर रहे थे, हम क्यों मैथ को छोड़ने का सोच रहे थे। देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन एग्जैक्ट सीधे के सीधे पेपर में से ही उठाकर लाए हैं। कोई ये नहीं सोचे कि मैंने कोई टाइपिंग वाइपिंग करवा के एडिट करवाया होगा, नहीं भाई, है ना, पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो आकार कैसा है, शंकु, यानी अपने को बात किसकी करनी है, शंकु की, शंकु की बात करनी है। तो शंकु के जो भी चीजें हैं वो याद होनी चाहिए, जैसे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर इसके आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस ये तीन फॉर्मूले याद है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 9 मीटर ऊंचा है, एच की वैल्यू दे रखी है, और शंकु के आकार का है, और इसका टेंट का जो आधार है, तो आधार यानी व्रत, और व्रत की परिधि दे रखी है 44 मीटर। इसके अंदर की वायु जो होगी उसका आयतन क्या होगा, अरे भाई इसके अंदर वायु कितनी जाएगी, जितना इस शंकु का आयतन होगा। इसका मतलब शंकु का आयतन आपको निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए, अगर शंकु जो है वो आपको पता होगा तो ये पता होगा कि इस प्रकार का दिखता है, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो। अब ये जो आधार है ये कैसा होता है, व्रत होता है, और व्रत की अगर परिधि देखें तो वो होती है 2πr। 2πr बराबर अगर 44 है तो r बराबर कितना होगा, जब पाई की वैल्यू 22/7 है, ये r है, ये 44 है, 2 × 22 कितना होता है रे, 44 होता है, कितना होता है रे, 44। बताओ 2 × 22, 44 से 44 गया, बताओ क्या आ गया, तो ये 7 इधर चला गया, r बराबर आ गया 7, क्या दे रखा है मीटर में, तो 7 मीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या, यानी कि जो आपका शंकु है इस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो ऑलरेडी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 मीटर दे रखी है। तो h यानी कि हाइट वो जो है हमारे पास दे रखी है 9 मीटर। अब हाइट आ गई है और त्रिज्या आ गई है, तो बताइए जब हमारे पास इसकी ऊंचाई है और त्रिज्या है तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, तो इसके आयतन का फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करो 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 × 7, भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 × 7, और एच, एच की वैल्यू कितनी है 9। अब क्या करेंगे हम, काट पीट मचाएंगे, लेके धोखा तलवार जो आपकी चाहो वो हथियार लेकर आ जाइए और इसको काटना शुरू करिए। देखो ये कटा 3 से 3 बार, 9 कितनी बार कटता है, 3 बार, 7 से 7 कटा, बस खेल खत्म, है ना, इतना ही काटना था, ज्यादा हथियार नहीं दौड़ाने। अब देखो क्या हो जाएगा, तो 22 × 7, एक तो मैं पहले ही बता दूं, कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो ये याद रख लेना कि 22 × 7 जो है वो 154 होता है, ये बहुत आगे बार बार आने वाला है, इसलिए 22 × 7 कितना होता है,
चौपन होता है। अब 154 तो हो चुका है, 154 का तीन गुना यानी 150 का तीन गुना यानी 450, और 4 का तीन गुना यानी 12, तो 450 और 12 462 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। बताइए 462 मीटर क्यूब कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो बस यही जो है आपके ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर था। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा बताइए। है शंकु के आयतन के बारे में आपसे बताया गया था या नहीं बताया गया था, बोला था या नहीं मैंने कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस वो लगा दो आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए बात करें आगे की तरफ। देखिए अब ये आ गया अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको अच्छे से दिखाई देवे, है ना, ये लो देखिए अब आराम से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई यदि गोले के, तो बात किसकी हो रही है अब गोले की, तो गोले के जो भी फॉर्मूले बताए थे वो याद हो जाने चाहिए। इसका क्या बताया था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²h, और इसका क्या बताया था, इसका बताया क्या था मैंने, अरे और क्या बताया था, आयतन कितना 4/3πr³। बस दो चीज याद होनी चाहिए, पूछा भी यही होगा। यदि एक गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वो इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोले की त्रिज्या बताओ, यानी कि गोले का जो आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² वो और इसका आयतन 4/3πr³ दोनों क्या दे दिए, बराबर दे दिए, तो कर दो बराबर। लो भाई गोला बनाने की इच्छा कर रही हो तो ऐसा बनता है, लो बना लो, ये गोला बनाया ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 4πr² और आयतन होता है 4/3πr³, दोनों को बराबर करेंगे, क्या करेंगे बराबर, तो 4/3πr³ बराबर 4πr². अब जो जो कट रहा है वो काट दीजिए, आप जो भी चाकू तलवार जो लेकर आना चाहते हैं आ जाओ लेकर, ये देखो 4π गया, आर स्क्वायर से एक इधर आर स्क्वायर चला जाएगा, तो बचा केवल क्या आर, यानी बचा r/3 = 1, तो r बराबर कितना आएगा 3। अब क्या दे रखी है, कोई यूनिट नहीं दे रखी, केवल बोला इकाई, तो 3 इकाई, तो r बराबर कितना आ गया 3 इकाई आ गया, और यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी एकदम सही है। ठीक है तो गोले की त्रिज्या कितनी है 3 इकाई है, अगर मीटर होता तो 3 मीटर आंसर हो जाता, वरना 3 मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो 3 सेंटीमीटर जो भी होता, लेकिन यहाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बताओ ये क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूला जो है आपस में बराबर करना है और जो कट रहा है वो काट देना है, आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की, है ना। आगे देखो ये लीजिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और बहुत ही आसान आसान से, अब ये क्वेश्चन देखते हैं ना आप खुद सॉल्व कर लोगे। देखो क्या बोला, एक घनाभाकार कांच, घनाभाकार कांच यानी घनाब है, और घनाब का आपको 2-3 चीजें जो बताई थी वो याद होनी चाहिए, क्या बताया था, इसका विकर्ण √L² + B² + H² संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LBBHHL, ठीक है, और इसका क्या बताया था आयतन, क्या बताया था LBH आयतन, क्लियर। अब देखो हमें बोला डिब्बे का 25 सेंटीमीटर तो लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो L, B और H तीनों चीजें हमें दे रखी है घनाभ की, और पूछा है कि कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, तो कांच का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही आपको निकालना है इस डिब्बे में और कुछ नहीं करना। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, तो 2 × LBBHHL, क्लियर, लगा दीजिए भाई, क्या करोगे 2 × 1, है ना, लो अब क्या करोगे गुणा कर दो, तो देखो L की वैल्यू कितनी है 25, बोला है ना 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, फिर 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 25 सेंटीमीटर लंबा, बस अब इनका गुणा कर दो,
25 इंटू 20 तो भाई 25 इंटू 2 50 और एक जीरो यानी 500, फिर 20 इंटू 10 यानी कि 200 और 25 इंटू 10 यानी 250। क्लियर, ये लो। अब क्या होगा तो 500 और 200 700, 700 और 250 कितना हो जाएगा 950, तो ये आ गया 950। अब 950 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1900, किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल और केवल सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था और वो भी घनाभ का फॉर्मूला, आ रहे पहले ही घन और घनाभ तो पहले ही पढ़ा रखा है आपने, 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितनी बार आपने ये पढ़ रखा होगा चीजों को। हम कहते हैं हम साइंस के नहीं है, हम मैथ्स के नहीं है, अरे भाई साइंस मैथ आर्ट्स कॉमर्स किसी की जरूरत ही नहीं है, ये दसवीं तक भी आपने ये सभी चीजें पढ़ रखी है, तो अगर वहां की चीजें तो आपको याद ही होगी। अब दसवीं तो आप पास ही है तभी तो आप 12वीं लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं समझ सकते। हम जो है प्रयास ही नहीं करना चाहते, हम जो है वक्त के साथ में बदलना ही नहीं चाहते। आज वक्त की जरूरत है, आज की जो वक्त है उस वक्त के अंदर आपको आवश्यकता है कि आप जो है मैथमेटिक्स को सीखे, साइंस को पढ़े, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आपको जो है सोशल साइंस के अंदर अब केवल और केवल ये नहीं कि बस जो है हम आर्ट एंड कल्चर ने हिस्ट्री ने एक सब्जेक्ट को रट्टा मार के काम निकाल लेंगे, नहीं आज सभी सब्जेक्ट आनी जरूरी है, हर एग्जाम के अंदर सभी सब्जेक्ट आ रही है। आप अब मान लीजिए नहीं सीखेंगे मैथ तो क्या सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे आप, है जहां सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम ही नहीं दे सकते आगे, तो अब आपके लिए ही ये नुकसान है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए लिखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है मुझे तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, है इतने अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी कह रहे हैं कि ओह हो सर हमसे तो मैथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, देखो क्वेश्चन देखो, बताइए क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, है मेरे दोस्त बोलो इधर देख के, कि यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 है तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, अब आप ये बताओ कि घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, है विकर्ण मैंने बताया था कि विकर्ण होता है भुजा इंटू √3 यानी ए √3 और अपने को विकर्ण कितना दे रखा है 4√3 तो ए √3 बराबर 4√3 दोनों तरफ √3 है तो कट जाएगा, ये लो √3 से √3 गया। अब क्या आ जाएगा ए बराबर आ गया 4, ये 4 किसमें आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि विकर्ण किसमें था सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर जो आया है ए का मान, ये ए है क्या यहां पर भुजा, ये क्या है भुजा, ठीक है। और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अरे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब, भुजा कितनी है 4, 4 का करो क्यूब, क्यूब करने का मतलब 4 का गुणा 3 बार करना है, लो भाई ये करेंगे 3 बार गुणा, 4 × 4 × 4 तो 4 × 16, 16 × 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर है। बताओ कहीं पर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बस यही इसका जो है एकदम राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपके एलडीसी के एग्जाम के अंदर आ चुका है तो कृपया करके इस क्वेश्चन को जो है आप सही तरीके से सीखे, ये सभी पीवाईक्यूज आपको यही बता रहे हैं कि चैत्र मिति से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और आते भी भर भर के 6-6, 7-7 क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे देखो, ये देखिए और भी बढ़िया सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेलन के बारे में जिसको सब कुछ पता है, मैंने बताया था कि बेलन के अंदर क्या क्या पूछेगा, तो बेलन का एरिया पाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और क्या पूछेगा तो भाई इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एच प्लस 2πr² क्योंकि उसके अंदर दोनों नीचे वाले वृत्त जुड़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, लाजवाब सा क्वेश्चन है, लाजवाब सी तुम्हारी क्या है मेरे साथ में यारी है। क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप की लंबाई दे रखी है, ठीक है, लंबाई अब दे रखी है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई किसी वस्तु की जो लंबाई है वही उसकी ऊंचाई भी होती है,
क्लियर। जब तक आपको अलग से मेंशन नहीं किया जाता है कि ये इसकी ऊंचाई है, तब तक मैं हूं जैसे, मेरी लंबाई क्या होगी? अरे मेरी हाइट और लंबाई एक ही तो बात होगी, है ना। वैसे ही यहां पर जो है बेलन के बारे में जब बात की जाए और बेलन की जब लंबाई दी जाती है तो आप यही समझे कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है। तो बेलन की ऊंचाई आ गई अपने पास और त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि कैलिडोस्कोप जो है, जो बेलनाकार है, तो अपने को तो बेलन का याद रखना है, कैलिडोस्कोप क्या होता है नहीं पता। तो बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एच होता है। लगा दीजिए यहां पर पाई आर एच, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, पाई आर एच, पाई आर सॉरी पाई आर एच कैसे हो सकता है, एक मिनट, 25 और 3.5 ये सही दे रखा है और पूछा है आपसे वक्र, अच्छा वक्र पूछा है, हाँ जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRH। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो अब, तो 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 और H की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। अब क्या करोगे सॉल्व, तो देखो 22/7 और 3.5 है तो इसको लिख देते हैं 35/10 गुणा 25। ठीक है, अब कार्ड शीट मचा दो, तो देखिए 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से 2 गया। अब क्या बचा अपने पास में, केवल और केवल 2, कौन बचे 22 × 25। ठीक है, अब 22 × 25 बचा है, अब इसका जब गुणा करना हो तो आपको जो है ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसका गुणा बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप क्या करिए, 22 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 और ये 25 में कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है 22 से, है ना। तो 22 का स्क्वायर तो हो गया 484, ये तो याद होगा, स्क्वायर याद है तो जल्दी होगा, और 22 दिया होता है 64, जोड़ोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 055। लो सेंटीमीटर में है, हाँ तो 550 cm² इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब गुणा करना आपके हाथ में है, और भी तरीका हो सकता है कि आप इसको जो है क्या लिख दो, 100/4 लिख दो 25 को, है ना, फिर आप इसको काट दो किससे, 2 से, तो ये कटेगा 11 बार, ये 2 बार कटेगा, फिर ये 50 हो जाएगा, 50 × 11 करोगे 550 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हाँ मेरे साथ में रहेंगे और मेरे तरीके से सोचने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चीजों को लिखें, लिखेंगे तो क्या होगा आपको पता चलेगा, अच्छा सर ने यहाँ यही सोचा था, यहाँ मैंने देखो सीधा देखते ही क्या सोचा कि 22 का स्क्वायर कर दो, 22 × 64 होता है, मुझे पता था, तो 484 और 64 को जोड़ना आसान है गुणा करने के कंपैरिजन में, ऐसे 22 और 25 को लिखकर। ठीक, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो है थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। अच्छा सर, किसी ने अगर घर पे जो है मजदूरी का काम करवाया, मजदूरी का काम है ना, किसी से घर वगैरह आपने जो सीमेंट वगैरह मरवाया हो घर पे, है ना, इस प्रकार से आपने कार्य करवाया हो तो उसे पता चलेगा क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक घन है और एक घनाभ है, उनका आयतन पहले ही बोल दिया है कि समान है, तो घन और घनाभ दोनों का ही आयतन क्या बोला है, समान, और घनाभ के जो भुजाएं हैं उनका अनुपात है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 1, 2 और 4। ठीक है, यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिश की जो लागत है उसका अंतर 80 रुपए आ रहा है। ठीक, तो आपको बताना है कि उसका आयतन कितना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि घन है घनाभ लिया अपन ने, और घन और घनाभ जो है उसके अंदर दोनों का आयतन बराबर है, घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसका अनुपात 1, 2 और 4 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हम जो इस घन और घनाभ है इनको क्या करवा रहे हैं, जो है पॉलिश करवा रहे हैं कोई भी रंग लेकर के, और वो पॉलिश करने का खर्चा कितना है, तो पर सेंटीमीटर किसमें है मीटर में, तो पर मीटर क्यूब सॉरी पर मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होगा उसको कलर करने का 5 रुपए लगता है। तो आपको ये कह रहा है कि घन और घनाभ को कलर करने के लिए, पॉलिश करने के लिए जो पैसे लगेंगे
उसमें 80 रुपए का अंतर आ रहा है, यानी हो सकता है घनाभ का ज्यादा लग रहा हो 80 रुपए या घन का ज्यादा 80 रुपए लगेगा, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले घनाभ की जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना है देखिए, तो घनाभ की भुजाओं का अनुपात है 1:2:4। इस अनुपात को पहले अपन क्या करते हैं संख्याओं में बदल देते हैं। अनुपात को जब भी संख्याओं में बदलना है आप अनुपातों का x से गुणा कर दो और कुछ नहीं करना। तो 1 × x यानी x, ये भुजा हो गई, 2 × x यानी 2x और 4x, ये आ गई अब अपने पास में क्या घनाभ की तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब हम क्या करेंगे घनाभ का आयतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या है हमें पता है, क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी x गुणा 2x गुणा 4x कर दीजिए, तो 4 × 8 और 8x³ ये आ गया। लो ठीक है, घनाभ का आयतन कितना आ गया 8x³ आ गया। ऐसे ही अब ये बोला है कि भाई घन का जो आयतन है, घन का आयतन वो बराबर है इसके, तो घन का आयतन तो क्या होता है भुजा का क्यूब, और भुजा मान लो घन की है a, तो a क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। अब घनाभ का आयतन और घन का आयतन क्या कर देंगे अपन बराबर कर देंगे, तो 8x³ बराबर आ जाएगा a क्यूब, ठीक है। तो a बराबर कितना निकल कर आ रहा है 2x, यानी घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी घन की भुजा हो जाएगी 2x, और घनाभ की भुजा क्या है x, 2x और 4x अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आयतन जो है वो तो इसके अंदर मात्रा कितनी आएगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पॉलिश करोगे तो उसके अंदर कलर थोड़ी भरोगे, ऊपर ऊपर बाउंड्री पर कलर लगाओगे, और बाउंड्री पर कलर लगा रहे इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है अब क्षेत्रफल लिखते हैं, अब घनाभ का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल, और घनाभ का क्षेत्रफल आपको पता है 2 × लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई, तीनों को जोड़ना है तो कर दो 2 × x, 2x × x तो हो जाएगा 2x² 2x × 4x तो 8x² और 4x × x यानी 4x² अब ये क्या आ जाएगा, तो 2 × 8 = 10 और 14, 14 × 2 = 28 x² ये आ गया घनाभ का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल आया इतना मीटर स्क्वायर में। अब 1 m² का अगर 5 रुपए लग रहे हैं तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा, तो क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, 5 × 1 = 28 करेंगे। एक छोटा सा जो है बीच में प्रॉब्लम हो गया था, कोई नहीं, देखिए अब तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना आया था 28x², ठीक है 28x² ये आया है इतना मीटर स्क्वायर में, और 1 m² का पैसा अपने पास कितने रुपए ले रहा है 5 रुपए, तो इतने का कितना लेगा, तो अपन क्या करेंगे इसका 5 से गुणा करेंगे, और 28 × 5 यानी कि 140, तो 140x² रुपए लगेंगे, ठीक है। और घन के लिए अगर बात करें तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो घन का क्षेत्रफल, और घन का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी आई थी 2x, तो यहां रखेंगे 2x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4x² × 6 यानी 24x², ये 24x² क्या आया है क्षेत्रफल किसका घन का, लेकिन 1 m² क्षेत्रफल का कितना रुपए लेगा 5 रुपए, तो इसका क्या करेंगे 5 से गुणा, कितने रुपए हो जाएंगे 120x², यानी कि घनाभ जो है उस घनाभ के लिए जो रुपए लगेंगे वो तो लगेंगे 140x², और घन के लिए जो रुपए लगेंगे वो लगेंगे 120x², तो दोनों में अंतर तो है। अब ये अंतर जो होगा तो वो कितना है, वो है 20x² का अंतर है भाई, करके देख लो 140 है ये 120 है, यानी कि 20x² का जो है अंतर है रुपयों में, और यहां पर इसने बोला कितना था 80 रुपए का अंतर है, यानी 80 के बराबर होगा ये, यहां से ये कट जाएगा, तो 20 से 80 कितनी बार कटेगा 4 बार, और x² बराबर अगर 4 आता है, x² बराबर कितना आ रहा है 4,
तो x बराबर कितना होगा? दो। नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है भुजा की और भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x बराबर दो आया। अब इसने बोला इनका आयतन कितना होगा, तो चाहे तो आप घन का आयतन निकाल लो, चाहे घनाभ का आयतन निकाल लो। घनाभ का आयतन कितना निकाल चुके हैं अपन? 8x³। तो यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है? दो। तो दो पुट करो। जैसे ही दो पुट करेंगे तो 8 × 8 यानी 64 m³, ये इसका आंसर है। कितना? 64 m³ जो है घन और घनाभ का आयतन था। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसने क्या करा, थोड़ा सा जो है आपको मीटर स्क्वायर के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है वो खर्चा दे करके आपसे जो है पूछ लिया। ज्यादा कोई जो है इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं थी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि इतना जो है सॉल्व करने में इतना समय देना पड़ेगा क्या? देखो भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब वहां पर जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपना माइंड कैसे जल्दी दौड़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये आसान क्वेश्चन है, ये कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, बढ़िया सा। ये भी एक जो है थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाएगा यूनिट कन्वर्जन के अंदर। क्या है देखिए, 2.2, कितना? 2.2 घन डेसीमीटर तांबे को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तब तार की लंबाई बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक अपने पास में तार है जिसका आयतन दे रखा है 2.2 घन डेसीमीटर। ठीक है, अब आयतन दे रखा है और बेलनाकार है, बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h, और व्यास कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दे रखी है, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है आयतन होता है πr²h, वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.5, 0.5 सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, आंसर हमें पूछा है मीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं इंटू एच, और एच हमसे पूछा है, लंबाई तो पूछी है ना, और आयतन कितना दे रखा है? 2.2 घन डेसीमीटर। अब 2.2 घन डेसीमीटर है, और मैं आपको बता दूं कि 1 m³ बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 m³ किसके बराबर होता है? 1000 डेसीमीटर क्यूब के। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो कितने के बराबर होगा? 1/1000 m³ के बराबर होगा। तो ये जो डेसीमीटर क्यूब है इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। तो 2.2 भाग किसका देंगे? 1000 का। और अब क्या करेंगे, जो पॉइंट है उनको हटा देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये पॉइंट हटा करके यहाँ 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हट करके यहाँ 0 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखो 22 से 22 कट गया, और क्या हो जाएगा, ये 3 0 से आपके ये 3 0 चले गए। ठीक है, अब अपने पास जो बचा है वो आप लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ गलत करा है क्या? अच्छा, एक ही बार आर लिखा है भाई, एक बार और आर आएगा ना, r² था, तो एक बार और लिख लो। 0.5 / कितना? 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 आ गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये एक और 0 जो है वो भी चला गया। फिर ये 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कुछ, कि ऐसा कोई आंसर आ ही नहीं सकता। देखो ये तो 28 आ रहा है, और वो भी 1/28, क्या गड़बड़। अच्छा देखिए देखिए देखिए, मिस्टेक कर दी ना, यहां पर व्यास दे रखा है 0.5, अपन ने डायरेक्ट त्रिज्या ले ली। मैं इसको एक बार मिटाता हूं पूरा। अब देखिए यहां पर ये 0.5 व्यास दे रखा था, मैंने इसको त्रिज्या के रूप में ले लिया, इसलिए गलत आ रहा था। तो अब देखिए क्या होगा, 2.2 ये डेसीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे
2.2 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.5/2, तो 0.5/2 और 0.5/2 को ये दे रखा है सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 100 का और भाग देंगे इंटू 0.5/2 इंटू 100 इंटू एच। अब करिए इसको सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो देखो जो जो चीजें कट रही है, ये पॉइंट हटाया जीरो लगा दिया ठीक है, और ये पॉइंट हटाया ये जीरो लगा दिया, ये पॉइंट हटाया ये जीरो लगा दिया। अब कट कर रहा है 3 और 1 ये 4, तो 3 और 1 ये 4, 22 से 22 कट गया ठीक है। फिर और देखिए क्या कट रहा है, तो 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 4 बार ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, ये आ गया आंसर। लीजिए तो 16 × 7 बराबर क्या आ जाएगा एच, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 7 × 5 = 42, 8 लगी 4, 7 × 1 = 7 और 11, तो ये आ गया अपना मीटर के अंदर आंसर 112। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी इस तार की, 112 मीटर होगी। तो आपको जो है थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा, जैसे ये जो है आप यूनिट कन्वर्जन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1/1000 मीटर क्यूब के। इसी प्रकार से एक और याद रखना कि भाई 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1/100 मीटर होगा ठीक है, ये लिख लीजिए आप। लिख लिया तो इस क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक शंकुकार, यानी कि शंकु की बात हो रही है, तो शंकुकार टेंट का आयतन दे रखा है 1232 मीटर क्यूब ठीक है, और इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आप बनाएंगे भाई, ये लो शंकु बना दिया, ये शंकु का आधार बना दिया ठीक है। अब इसका आयतन कितना है, तो शंकु का जो आयतन है वो कितना होता है आपको पता है 1/3 πr² h, और ये बराबर किसके दे रखा है 1232 के दे रखा है। अब क्या करोगे इसके अंदर, देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर, आधार क्या होता है वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², πr² के बराबर 154, पाई की वैल्यू 22/7 × r² बराबर 154। अब इसको मैं जो जो कट रहा है वो काट देंगे, 22 से ये कटेगा 7 बार ठीक है, और फिर r² बराबर कितना आ जाएगा 49, 7 × 7 ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7, किसमें मीटर में, यूनिट का जरूर ध्यान रखें वरना आप जो है सही क्वेश्चन होते हुए भी आप गलत करके आ जाएंगे। अब r यानी त्रिज्या अपने पास आ गई है 7 मीटर, अपने को पूछा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है πr(l) होता है, पाई आ चुका है, आर आ चुका है, एल निकालना है, एल निकलेगा यहां से जब अपन एच निकाल लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे 1/3 π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, 7² 49 × h बराबर 1232। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो देखो ये 7 से 7 बार कटेगा, फिर 22 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो देखिए 22 से ये कट रहा है आपका कितनी बार कटेगा 22 × 5 = 110 ठीक है, 110 गया, 123 में से 110 गया, 13 बचेगा, 13 और 32 यानी कि कितनी बार गया 56, 6 बार। फिर अब ये 7 से कट जाएगा, 7 × 8 = 56, और h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर आ गया 24, ये भी मीटर में, h आ चुका है और r आ चुका है, l निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला बताया ही था, अंडर रूट h² यानी 24 का स्क्वायर प्लस
त्रिज्या यानी 7 का स्क्वायर, ये बताइए 24 का स्क्वायर यानी 576, 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 और 576 को अगर आप जोड़ोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 का मतलब है 25 मीटर। तो L की वैल्यू भी अपने पास में आ चुकी है, ठीक है, क्या L की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है, R अपने पास था, पाई अपने पास था, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट करो 22/7 गुणा 7 गुणा 25, 7 से 7 कट गया, 22 और 25 बचा, 22 × 25, अभी जस्ट पीछे बताया था कैसे कैलकुलेट करोगे, 22 × 22 484 और 22 × 64 जोड़ते ही 550, ठीक है, ये आ गया लो 550 मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 550 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, आप इसको टिक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके सभी जितने भी अपन आज क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हर टॉपिक के अंदर मैं इसी प्रकार से आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, ताकि आप लोग जो है क्या कर सकें, इन सभी पीवाईक्यूज को समझ लेंगे और साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके जो है किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारे पास में बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, देखिए बड़ा थ्योरी में बड़ा था, ऐसे पढ़ोगे तो वो टाइम लगेगा कि ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन लिया जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर वो क्या है ऊंचा है, ठीक है, वो जूस भरा हुआ है उसके अंदर, यानी एक बेलन है, बेलन जो है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उसके अंदर जूस भरा हुआ है, ग्लास कितना ही बड़ा हो 32 सेंटीमीटर तक ही जूस तो भरा हुआ है, ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर तक इसमें जूस है और इसी जूस को क्या करना है कि दूसरे गिलासों में भरना है, छोटे गिलासों में, छोटे गिलास मतलब जिनकी त्रिज्या तो है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो ऐसे कितने गिलास जो है अपन भर सकते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि मान लो ये एक बड़ा अपने पास गिलास है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है और हाइट, तो देखो हाइट तो है 32 सेंटीमीटर तक जूस, मान लेते हैं गिलास बहुत बड़ा है लेकिन जूस 32 सेंटीमीटर तक है, तो हमारे काम आएगा 32 सेंटीमीटर तक का ही बेलन, तो हम क्या करेंगे 32 सेंटीमीटर ही इस बेलन की ऊंचाई मानेंगे, त्रिज्या कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई और ये इसकी ऊंचाई आ गई, क्लियर। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि आयतन जो होता है वो तो फिक्स ही रहेगा, इसके अंदर जूस का जो वैल्यू मान जितना जूस आया होगा क्वांटिटी वो तो फिक्स ही रहेगी, तो इसके अंदर जितनी आई होगी मात्रा उसी मात्रा को हम क्या करेंगे इन छोटे छोटे गिलासों में भरेंगे, तो पहले इसके अंदर मात्रा है कितनी वो ज्ञात करते हैं। तो बड़े बेलन का पाई आर स्क्वायर एच से इसका आप आयतन निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होता है 20 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को, व्यास तो नहीं आती त्रिज्या ही है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 20 कर देंगे, ठीक है, और इसमें सभी सेंटीमीटर में ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 32। अब हम क्या करेंगे इसको एज इट इज रखेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करने नहीं बैठना, इसको अपन यूज करेंगे कहां पर, तो अपने पास में देखो कि एक गिलास है उसका आयतन कितना है, तो भाई पाई आर स्क्वायर एच उसका भी होगा क्योंकि वो भी बेलन है, पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू 4 यानी 4 × 4, एच की वैल्यू 8। अब देखो ये क्या है छोटा गिलास है और ये क्या था बड़ा गिलास था, तो मान लेते हैं कि एन छोटे गिलास जो है वो भरे जा सकते हैं, तो बड़े गिलास का जो आयतन होगा बड़ा गिलास, ठीक है, इसका जो आयतन होगा वो मान लेते हैं कि एन छोटे गिलासों को भर सकता है छोटा गिलास, क्लियर भाई, संख्या ज्ञात करनी है ना कितने गिलास भरेंगे, तो एन गिलास मान लिया, अब बड़े गिलास का आयतन कितना था, ये रहा 22/7 गुणा 20 गुणा 20 गुणा एच, ठीक है, और एन मान लिया, छोटे गिलास का कितना आयतन है, तो 22/7 × 4 × 4 × 8,
अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए, तो देखो 22 बटे 7 से 22 बटे 7 गया, ठीक है। फिर 4 और 4 से ये कटेगा कितनी बार, 5 और 5 टाइम, और इसकी जो ऊंचाई है वो 32 दे रखी थी, यहाँ एच क्यों लिखा भाई, यहाँ तो 32 दे रखी है अपने को, तो ये 32 आ गया, और 32 से ये कटेगा 8 से कितनी बार, 4 बार, ठीक है। जो कटना था वो सब कुछ कट चुका है। अब देखिए n बराबर कितना आया है, तो 5 × 5 × 4, 5 × 25, 25 × 100, तो अल्टीमेटली गिलासों की संख्या जो है वो कितनी आ गई है, 100 आ चुकी है। तो हम कितने गिलास भर सकते हैं, 100 गिलास भर सकते हैं। ऑप्शन सी जो था वो अपना 100 ही था, तो एक बड़े गिलास के अंदर जो जूस है उससे अपन छोटे छोटे 100 गिलासों को भर सकते हैं। इस प्रकार के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एक बड़ा गोला था उसको छोटे गोले में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने गोले बनेंगे, एक बड़ा घन है उसको जो है छोटे घनों में बदल रहे हैं तो कितने घन बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आज कुछ आपको नया सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा, और आपका हर एक कमेंट जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है, तो प्लीज आप अपनी तरफ से कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो करना है वो आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।